नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं दिल्ली के बहुजन समाज के कार्यालय के अंदर और हमारे साथ हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र जी, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी दिल्ली प्रदेश कार्यालय में आपका स्वागत है माननीय सुरेंद्र सिंह जी को। माननीय, आप पहले एमएलए भी रह चुके हैं और बहन जी ने आज आपको जिम्मेवारियां दे दी हैं बहुत ज़्यादा, और आपने बहुजन समाज के सभी उतार चढ़ावों को देखा है। तो अभी जो कांग्रेस पार्टी के वजह से जो गठबंधन नहीं हो पाया और बहन जी के स्टेटमेंट था कि हम लोग किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी को 2019 के अंदर कहाँ देखते हैं आप? गठबंधन का माननीय बहन कुमार जी, जो बहुजन समाज पार्टी की रास्ता दिखता है वो उनके दायरे का मामला है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आज पूरे देश में दमदार के साथ खड़ी है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज बहन जी कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर चली गई है। आज बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी जी की सेकेंड लीडरशिप देख रही हैं। क्यों देख रहे हैं? कि ओबीसी समाज की तमाम जो पार्टियां बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ी हो चुकी हैं, और ओबीसी समाज की जो पार्टियां कहती हैं कि माननीय बहन कुमारी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने उनकी चाहत है, तो गठबंधन का मामला माननीय बहन जी का है। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी इस देश में सेकेंड लीडरशिप कर रही है, और जो सेकेंड लीडरशिप कर रही है तो हम बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं संगठन की सबकी जिम्मेदारी के माननीय बहन जी को इस देश में नंबर वन का नेता बनाने के लिए हम सभी को प्रदेश से लेकर बूथ तक हमें संगठन बनाना होगा। जो संगठन हमारा तैयार हो जाएगा तो निश्चित तौर से बहन कुमारी माती 2019 की प्रधानमंत्री सुनिश्चित है, वो बनने जा रही है। सुंदर जी, एक बात बताइए, नेता आते हैं जाते हैं, लेकिन एक बात और रह जाती है कि जो वादे करते हैं वो कभी पूरे नहीं हो पाते हैं। अगर 2019 के अंदर बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो आने वाले टाइम में ऐसा कौन सा काम हो जाएगा जो आज तक के नेताओं ने नहीं करा? इसका जवाब आपने बहुत बढ़िया सुना है, बहुत घोषणा पत्र नहीं होता है। बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र केवल बाबा साहब डॉक्टर वाला संविधान ही घोषणा पत्र है, जिस संविधान में तमाम हमें मौलिक अधिकार मिले हैं। उन मौलिक अधिकारों को माननीय बहन जी देश की जब प्रधानमंत्री बनेगी, इन तमाम मौलिक अधिकारों को दिशा देने का काम करेगी। क्योंकि इस देश के दलित शोषित, देश के ओबीसी दलित, देश के मुस्लिम समाज के, देश के सब समाज के कल्याण के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान हमें मौलिक अधिकार दिए, यदि वो सही तरह से लागू हो जाए तो निश्चित तौर से ये देश अम्बेडकरवाद के तहत चलेगा, ये देश पूरा बोध में होगा।